रहे हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जैवलिन थ्रो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा का नाम सबके दिमाग में आता है, लेकिन आज हम आपको बिहार के नीरज चोपड़ा के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार के जमुई के लाल ने कमाल कर दिया है और नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। आखिर जैवलिन थ्रो में इन्होंने क्या पुरस्कार जीता है? बिहार के किस जिले के यानी जमुई के रहने वाले ये लाल हैं, इनका नाम क्या है आपको बताते हैं। महावीर की धरती जमुई के लाल वीरेंद्र यादव ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में इस बार राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित बिहार स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता में वीरेंद्र ने 64.85 मीटर भाला फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड जो कि 62.35 मीटर था उसको तोड़ दिया है। आपको बता दें कि वीरेंद्र जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत जुमरकोला गांव के काफ़ी साधारण किसान परिवार से संबंध रखते हैं। वीरेंद्र ने अंडर 16 में ये कामयाबी हासिल की है। पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स कंकरबाग पटना में 3 से 5 जून तक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसी दौरान 89वीं सीनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वीरेंद्र के जलवे से जमुई वासी एक बार फिर से गौरवान्वित हुए हैं। अंडर 16 की प्रतियोगिता में राष्ट्र स्तर पर 62.35 मीटर भाला फेंकने का कीर्तिमान था। अब वीरेंद्र ने 64.85 मीटर भाला फेंक कर नया कीर्तिमान लिख दिया है। वहीं जमुई के खेल प्रेमियों में इसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही जमुई के जैवलिन थ्रो के कोच सूरज कुमार बताते हैं कि इस बार जमुई के खिलाड़ियों ने कुल 18 मेडल जीत कर जमुई का मान बढ़ाया है। बार बार बोला जा रहा है सतपुरा 444 बीप नंबर, आप जल्द से जल्द यहाँ आने का कष्ट करें। चलो बोला जा रहा है सतपुरा 444 बीप नंबर, आप जल्द से जल्द यहाँ आने का कष्ट करें। बिहार के नीरज चोपड़ा के बारे में हमने आपको बताया। आपके लिए खबर जमुई से हमारे संवाददाता सुमित सिंह ने भेजी थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।